बोला गया था बेटा आपकी नसीब में औलाद नहीं है, आप जहाँ से आए वहीं लौट जाइए। क्यों मना करा? क्योंकि अकबर तीन रानी, तीनों ही रानी अलग अलग धर्म का, बाबा जी नहीं चाहते तीनों के सामने आपको आशीर्वाद दें, दो लोग नाराज हो एक वजह से। अकबर आज यहाँ से लौटते हैं, फिर अपनी राजधानी दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जगह का नाम काफी फेमस है, उस जगह को बोला जाता है, वहाँ से लोग गुजर रहे हैं। हाँ। सामने उस तरफ आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, मूवी का नाम था परदेश मूवी शाहरुख खान का, क्योंकि जो गाना हुआ था दो दिन में रहे चुपके चुपके, शाहरुख खान को लास्ट में जो मारा जाता ना वही वाला सीन है। ध्यान में आ गया भैया? देखा है आप, दिल जले हो, आ जाओ। ये आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने आगे वाले लोगों ने देख लिया, पीछे लोग अभी आके देखेंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल एसी बिगर लाइट का, एयर कंडीशन एसी। दीवार जो है कि पूरा अंदर से खाली है, खोखला है, जब पीछे जंगल द्वारा हवा चलता है तो नीचे टकरा के गिरता है सर। अकबर डैम इसके पीछे देख पानी का लेक, वो सूख गया, लोग खेती बाड़ी करते हैं, जब पीछे ऊपर चलता है ना हवा तो नीचे टकरा के गिरता है। डायरेक्शन इसी तरह से बनाया गया है, हवा चलेगा डायरेक्ट ऊपर टकराएगा, ऊपर से फिर नीचे गिरेगा। अकबर डैम कोई लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था। इसी तरह के तीन एसी तीनों रानियों के, एक दो तीन लास्ट तक सुरंग देखेंगे आप लोग अनारकली का, जहां जो की अनारकली को कैद किया गया था, तीनों रानियों को लेकर आए थे। तीनों रानी तीनों अलग अलग धर्म की, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। सातवीं बार जब आए थे बाबा जो थे अकबर के सपने में आए थे, बोले थे उन्होंने बेटा अगर आप आए तो अपनी तीसरी रानी महारानी जोधाबाई को लेकर आना, क्योंकि उन्हीं के नसीब में औलाद है। अकबर राजा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर दरगाह, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च, हर जगह घूम कर आए, अकबर को कहीं से औलाद नहीं मिला। क्योंकि आखिर में फतेहपुर सीकरी सातवीं बार जब इधर आए सिर्फ महारानी जोधाबाई को लेकर, जब बाबा ने आशीर्वाद दिया, बाबा के आशीर्वाद से एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया था जहांगीर। फर्स्ट नाम उसका बाबा के नाम के ऊपर रखा गया था सलीम, जहांगीर उसका नाम बाद में रखा गया था राजगद्दी जब उसने संभाली थी। नीचे आप लोग देख रहे हैं ये गेट जो बंद है, फिल्म देखोगा आप लोगों ने, काफी पुराना मूवी है, मूवी का नाम है मुगले आजम मूवी, दिलीप कुमार का। क्योंकि अनारकली एक नौकरान, अकबर ने कहा मेरे बेटे को नौकरानी की लड़की से प्यार करे अकबर को मंजूर नहीं, अकबर ने इसलिए उस अनारकली को यहाँ कैद किया गया। फिल्म आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, शायद किसी ने, सर ने देखा होगा, सर आपने देखा है मुगले आजम भी नहीं देखा आपने भी? देखा आप में से किसी ने नहीं देखा मेरे अंदाज से, शायद 40 साल पुराना मूवी है मुगले आजम, 40 इयर्स। क्योंकि अनारकली को यहाँ से कैद नहीं किया गया था, फिल्म में दिखाया गया ओनली, हम लोगों ने यहाँ अनारकली को कैद किया गया। लेकिन अकबर जो राजा थे उन्होंने रास्ता दिया, उनको बताया गया अनारकली को यहाँ कैद नहीं किया जाए, क्योंकि हमारे बेटे की एक मोहब्बत भी है वो, लेकिन है कहने को दासी की लड़की, लेकिन हमारे बेटे की मोहब्बत, उसको पीछे के रास्ते भगा दी गए। उसको अनारकली को यहाँ से पीछे के रास्ते भगाया, फर्स्ट नंबर सुरंग निकलता है आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। बताते हैं इतना लंबा रास्ता कोई टनल नहीं बनाए, सिर्फ ये केबल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो कि सीकरी गाँव में, जहाँ आपको बताया था सीकर लोग रहते थे अकबर टाइम, वहाँ एक पानी का टैंक बना हुआ है, जिसका अकबर का एक मंत्री था जिसका नाम था राजा टोटलमल। पानी का कमी था फतेहपुर सीकरी के अंदर, इसलिए इस किले को छोड़कर अकबर राजा आगरा गए। आगरा के अंदर में सिकंदरा, आप लोगों ने देखो होगा रेड फोर्ट, ताजमहल आगरा का, वहां से 7 किलोमीटर दूर सिकंदरा है, वहीं पर अकबर का जाके समाधि बना हुआ है। अभी हम लोग व्हाइट वाली दरगाह चलेंगे, चिश्ती बाबा जी का, अकबर के गुरु जी का, जो कि यहां से कोई देखकर नहीं लेकर ही आता है, सहनशाह से जो कहते हैं तकदीर बदल जाती है। फतेहपुर सीकरी वही लोग आते हैं जिनको बाबा सलीम चिश्ती बुलाते हैं, बाबा का बुलावा नहीं होता, बाहर गेट से लुट जाते हैं। 50 साल की उम्र में किसी को औलाद नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया से लेकर विदेश तक के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति थे सरकोजी काला गुंजी, क्योंकि 2010 में यहाँ आए थे, बाबा के आशीर्वाद से उनको एक बेटी मिला, बेटी का नाम जूलिया रखा गया था। आप सभी भाई के पास रुमाल, लहंगी, चुन्नी वगैरह जो भी है अपने अपना, आप लोग सभी लोग से ढक लीजिएगा। ये सब तो सुना आपने उनकी जुबानी, अब मेरी जुबानी सुनो। क्या हुआ उधर? तो जो लड़कियों का ग्रुप अलग कर दिया और लड़कों का ग्रुप अलग कर दिया। लड़कियों का ग्रुप इसलिए अलग कर दिया था क्योंकि लड़कियां भोली वाली रहती ना, जल्दी से थक जाती। भगवान के नाम पे डरा के धमका के सामान को बेचा जा रहा था। जैसे आपने पिक्चर देखा होगा ना, बस बस वही वही। लेकिन आपको मैं बता दूँ, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। कोई भी रिचुअल में ये नहीं बोलते कि आप कुछ बिना खाली हाथ अंदर नहीं जाते, बल्कि कि खाली हाथ अंदर जाने के बाद आपके हाथों में कुछ ना कुछ आना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन ये अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक हमारे ग्रुप में वो संकेत ताजने करके लड़का है, उसको 500 रुपये की चादर दे दी भाई, और एक वो चंदर है उसको 200 की चादर दे दी। मतलब यही सब था,
तो ऐसी जगह पर अगर आप जाते हैं तो ये वीडियो को देख लीजिए और सेफली रहिए। और वो जो गाइड था आपको बता रहा था, वो पूरा मतलब उन्हीं का पूरा उसका फिक्स था, स्पॉट फिक्सिंग करके रखा था उसने, पूरा उनको दे रहा था कि चादर लो, चादर करो। फतेहपुर और सीकरी दोनों दिखाएंगे, सिर्फ फतेहपुर दिखाएंगे। फतेहपुर दिखाया क्या आपने भी चादर खरीदी थी? हाँ मतलब हाँ, इसमें से चादर किसने किसने खरीदी थी भाई? सबने। तो दूध सी सफेदी निर्मा से आई, समझे? तो ये फतेहपुर, क्या आपने भी खरीदा था कुछ? कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आज मोहर्रम था ना, तो हमने उसकी आउट ऑफ वर्ड्स पर मतलब क्या, अरे मतलब तीन मन्नत मांगी, बतानी नहीं पड़ती है वो। तीनों जो रिंग्स थे उधर तीन तीन बार तीन तीन नॉट बांधने थे क्या, कि कोई एक रिंग पे एक ही धागे में तीन नॉट? तो एक ही विंडो पे कोई तीनों में से? ठीक है, समझ रहे हो ना? मैंने जो बोला वही सुनो, जाने दो बाकी सब, ठीक है ना? मैंने जो बोला देखो, मेरे को जो लगा मैंने वो आपको बताया। आपको क्या लगता है, वो आपका नजरिया? जब वो चालू हो गया पीछे आ गया। देखो दोस्तों, अभी इधर फिर से एक बवाल हो गया। ये जो पीछे दिख रही है ना टपरी, ये 5 रुपए हर चीज पे एक्स्ट्रा ले रहा है। तो हमारी मैम ने खुद सवाल उठाया, जो कि बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, आप लोगों को भी उठाना चाहिए। 5-5 रुपए एक्स्ट्रा दिया और उसका मन भर गया, तो अभी वो 5 रुपए और एक्स्ट्रा मांग रहा था। अभी मैम ने बोला नहीं दूंगी, तो वो मैम को चिल्लाने लगा, देने ही नहीं चाहिए भाई। मैं तो बोलता आप 5-10 मिनट प्यासे भूखे रह सकते हो, लेकिन ऐसे दे के मन ना बढ़ाए किसी का। कुछ लोग है इसमें, अब मैं क्या ही बताऊं, जाने दो, छोड़ दो। अभी मैंने जो बोला एक बात मेरी भी सही है, क्योंकि आप हम लोग जो मेरे साथ आए हैं, ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हाँ एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पीपल्स है। और गवर्नमेंट आपको गला फाड़ फाड़ के बोल रही है कि MRP से 1 रुपया ज्यादा ना दे। MRP से 5 रुपए ज्यादा बेच रहे, ठीक है? अगर किसी ने 5 बॉटल भी खरीद ली, बोल रहा था आपको, गवर्नमेंट इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रही है MRP से ज्यादा ना। आप बताइए, MRP में तो उनको मिलती नहीं है, उनको मार्जिन रख के मिलता है कुछ ना कुछ, उसमें भी वो 5 रुपए एक्स्ट्रा से बेचेंगे। तो हम गरीब आदमी का मतलब GDP तो बढ़ी रही है, देश की GDP तो बढ़ी रही है, लेकिन हमारा क्या? हमको तो आज भी स्लीपर में ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, हमारा पैसा थोड़ी बढ़ रहा है। बढ़ रहा क्या भाई? नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए भाई किसान खेती कर, पैसा खर्च करो लेकिन सोच समझ के करो, तभी तो मैं घूम पाऊंगा और आपको घुमा पाऊंगा। मेरे साथ जुड़ा हुआ चैतन्य रावत। मैंने खरीदी है 25 की बॉटल। क्यों खरीदी भाई? क्यों खरीदी मतलब, मैंने उससे बहस की पहले, तो 20 रुपए लिखा हुआ है। तो भाई एक तो उसने आवाज बढ़ा दी चुपचाप, मैं आवाज उसने बढ़ा दी, मैंने बोला 25। तू अकेला था? मैं अकेला था, गलती हो गई। नहीं नहीं, तो मैं अकेला था, मैंने कहा मैं 20 रुपए लिखा है, 25 की क्यों बेच रहा? बोले 25 की होगी, बिल ले जाना। मैं कहा बिल ले जाना, ठीक है चलो, चौड़ मार रहा। मैंने कहा क्यों लिया? बिल आते समय ले जाना, अभी भी नहीं ले जाना, आते समय ले जाना। मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो इतनी आवाज बढ़ गई, मैंने कहा सिर्फ बोल दो ना 25 की है, तो चौड़ में कह रहा है हाँ 25 की है, और ऊपर से गाइड भी मिल गया उसके साथ, नहीं यहाँ 5 रुपए ज्यादा मिलेगा आपको लेना है, और बहुत सारे तो देखो रावत आवाज बढ़ा, सुनो 4-5 लोग थे, तो आपको ना लेना ही नहीं चाहिए था। नहीं पीते भाई पानी नहीं पीते, वो बोला था ना ऊपर पानी नहीं मिलेगा, गाइड ने पहले ही बोल दिया था पानी पहले ले लेना। नहीं मिलेगा, सही बात है, अगर नहीं मिला तो भी मेरे को बताओ, आप 6 घंटे भी पानी ना पिए तो कुछ हो जाएगा? हाँ नहीं होगा, वो गाइड ने बोल दिया था तो ले लिया है। लेना नहीं चाहिए, एक गलती अपनी है, लेना नहीं चाहिए और देना ही नहीं चाहिए। आप देते हो लेते हो इसलिए उनका मन बढ़ता है। नहीं पर ये चेक करो यार, वो बोल रहा था गवर्नमेंट ने 5 रुपए बढ़ा के रखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? MRP से ज्यादा गवर्नमेंट खुद बोल रही। ठीक है, अभी हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा अभी बस में जाते हैं। दोस्तों ये हमारी बस और यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, और यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का ये ब्लॉग खत्म होता है। ज्यादा वकील मत बन बोले। Yeah.
हमारा जयपुर का होटल है, हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं और हमें रूम वगैरह कुछ भी नहीं दी गई है क्योंकि हमको पहुँचने में 10 बज चुके हैं। सीधा हमको फ्रेश होने के लिए बोला गया वॉशरूम में, लगेज भी हमारा नीचे है और हमको यहाँ पे खाना सर्व कर दिया गया, मतलब खाना लेना है। खाने में वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, वेज भी है। नॉन वेज सेपरेट रखा है, वेज अलग रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। देखो दोस्तों, खाने में चिकन करी, ब्रंड गार्लिक नूडल्स, वेज मंचूरियंस, जीरा राइस, दाल लहसुनी, पनीर बटर मसाला में भी ऐसा ही कुछ है। ये क्या है, ये हॉट एंड स्टोर सूप, दही वड़ा नहीं है, रायता सलाद, नींबू और प्लेट भी है भाई। हम तो लाइन पे लग गए भाई। भाई भाई दोस्तों, अब बारी सूप की। परफेक्ट सूप, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो ये वेज मंचूरियन है, देखने में बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा मतलब टेस्ट वाइज थोड़ा ये है। तो आप देखिए, ये सिर्फ स्टार्टर है, वेज सूप, वेज नूडल्स, वेज मंचूरियन और ये रायता है, इसने भी वही लिया है। इसने एक पनीर लिया है, जो ये वेजिटेरियन तो इसके लिए पनीर ऑप्शन है। दोस्तों आप ट्राई करते नूडल्स, देखो नूडल्स सूप बहुत ही बढ़िया है। अब रायता भी एक नंबर है। बस जो मंचूरियन है वो थोड़ा मुझे फीका लगा, बाकी सब बढ़िया। दोस्तों खाना हो गया, नॉनवेज बहुत अच्छा था, चिकन बस थोड़ी ग्रेवी में पानी ज़्यादा था पर टेस्ट अच्छा था। खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम भी मिल रही, दोस्तों आइसक्रीम खाते हैं और चलते रूम में। अभी तक रूम में गए नहीं, रूम कह रहे हैं पता नहीं खाना, लेकिन होटल खाना बहुत अच्छा था। दोस्तों ये अपने साथ वेजिटेरियन बंदा है भाई, खाना कैसा है, पनीर कैसा है, एक नंबर। 7,500 पूरे वसूल एक ही दिन में। हाँ भाई मान लिया, बहुत अच्छा लिया, फुल पैसा वसूल है। निनाद क्या बोलना चाहेंगे? जबरदस्त, पहले ही दिन दिल खुश हो गया भाई, बस बस दिल को इसी तरह रखना चाहिए आखिरी दिन तक। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जयपुर का होटल है, इस होटल की रूम्स जो हमको मिली है, यहाँ पे देखिए दो सोफा दिया है, टीवी है, एक डबल बेड का पलंग, एक सिंगल बेड का पलंग, और आपको दिखाता हूँ मैं, हाँ डस्टबिन भी है, टेबल दिया है, और देखिए कैटल है, पानी बॉटल है, कॉफ़ी है, चाय पत्ती है, आप चाय भी बना सकते, कॉफ़ी भी बना सकते। और देखिए इधर मिरर दिया है, और ये वॉशरूम,